हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हां, वालेकुम सलाम। इम्तियाज जलील साहब, बातचीत होना मेरा। अभी कर्नाटक में 25 सीट्स डिक्लेयर कर को हैं। हुबली में 2 सीट्स, बेलगाम में 1 सीट। जैसे इंशाल्लाह अल्लाह का करम रहा तो जैसे गुजरात में बॉयकॉट हुआ, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, जैसे तमिलनाडु केरला में हुआ, इंशाल्लाह कर्नाटक में भी होगा अगर अल्लाह चाह तो। इसको बोल रहे, आई मीन पार्टी को बोल रहा हूँ सर, क्योंकि हर जगह जाकर वो वोट्स डिवाइड करके, क्योंकि आज यंगस्टर्स को जॉब तक नहीं मिल रहे हैं। आज मुसलमान ऐसे भी परेशान है, वैसे भी परेशान है। ये रोज खुल खुल के मरने से अच्छा एक दिन मर जाना ही पसंद है। आप मर जाइए, हम लड़ने के लिए तैयार है साहब, हम लड़ने। मैं तुम लड़ो सर, तुमको कौन रोक के है? हम लड़ने के लिए तैयार है, हम इतने कमजोर तुम है। तुम लड़ो सर, तुमको सपोर्ट है बीजेपी का, तुम लड़ो। तुमसे सवाल किए तो या तो आप हजम कर देते, या तो आप मर्डर करा देते, या तो जेल में पाल के डाल के करा देते। लोगों में से नहीं है सर, समझ रहे आप? हिंदुस्तान की हर एक पार्टी पर रेड हुआ, आपकी आईमीन पार्टी पर क्यों रेड नहीं हुआ? आप बोलती ना मुसलमानों की जमात कर को केसीआर से क्यों सवाल नहीं किए? सेक्रेटरीट मस्जिद के बारे में सात मस्जिद शहीद हुए ना। मैं हुबली में आया हूँ, कहाँ पे है बोल, मैं आके बात करता हूँ तेरे साथ, ठीक है? तो सर, ये मस्जिदों के लिए मेरी गर्दन दे दूंगा, तुम क्या बात करोगे मुझे? मेरे को बोल कहाँ पे है, मैं सामने बात। अरे जरे, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी आपको बोल।